सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ, न्यू एक लूट के साथ जो मैं आपको टेलीग्राम पे पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। सो जो लोग टेलीग्राम से इस पे ज्वाइन हुआ था इस एप्लीकेशन पे, तो उसका तो प्रॉफिट होने वाला है आज। या तो जो लोग ज्वाइन नहीं हुआ सो जल्दी से जाओ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन आता है वो सबसे पहले मैं खुद यहाँ पे वेरीफाइड करता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको टेलीग्राम पे डालता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आज के जो एप्लीकेशन है इस पर आपको ₹500 का अमेजोन वाउचर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे मिल चुका है, देख लो अमेजोन का वाउचर यहाँ पे ₹500 का आपको मिल सकता है। कैसे इसके लिए इस वीडियो को आपको देखना होगा, यहाँ पे देख लो सब कुछ मैं टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मैं वॉइस दे के सब कुछ मैं बता दिया था टेलीग्राम पर। जो लोग फिर भी ज्वाइन नहीं हुआ सो उसको मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि ये जो है वो ₹500 का वाउचर देने वाला है पार रेफर, ठीक है। सो आपको उसको कैसे लेना होगा और आपको साइनअप पर ऐसे कुछ मिलेगा सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना आप लोग, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एप्लीकेशन का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रेफर कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो रेफर कोड मस्ट मस्ट डालना, नहीं तो आपका रेफरल जो सिस्टम है वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कैसे उसको करना होगा कॉम्प्लीट मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो इस तरह से एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको कैसे इसको ओपन करना होगा, आपको सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे आओगे तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पहले बोलेगा। सो रजिस्ट्रेशन डाल देना, तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले इस तरह से यहाँ पे देख लो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन यहाँ पे इस तरह से पूछेगा। तो यहाँ पे देख लो आप अगर यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक करना होगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे देख लो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको रेफरल कोड जो मैं आपको दिया था देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा रेफरल कोड। यहाँ पे देख लो यहाँ पे ये नहीं रेफरल कोड, यहाँ पे आपको रेफरल कोड आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। सो आप लोग टेलीग्राम पर अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर लेना इसको, तो इस पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा, OTP आएगा, फुल नेम डालना होगा, सिटी डालना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे सिटी फिटी सब कुछ डाल लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे OTP पे क्लिक करना होगा, तो OTP यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको साइन इन हो जाएगा या आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे फुल नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा आपका, तो उसके बाद आपका पैन कार्ड का नंबर पूछेगा। और यह 100% ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ये जो है वो डिमांड एप्लीकेशन खोलता है, जो जैसे डिमांड एप्लीकेशन होता है उस तरह से ये जो है एप्लीकेशन है वो उसी तरह से काम करता है, ठीक है। और ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, सो इसीलिए इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आपको पैन कार्ड डालना होगा, सो पैन कार्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे डिजिटल लॉक खुल जाएगा, जिसका मतलब है आपको आधार कार्ड पे आपको OTP जाएगा, ठीक है। जिस आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक है उस नंबर पे OTP जाएगा, ठीक है। मतलब आपका आधार कार्ड यहाँ पे वेरीफाइड करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे डिमांड अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, तो उसके बाद उस आधार कार्ड नंबर पर जिस नंबर के साथ वो आधार कार्ड लिंक है उस नंबर पे एक OTP आएगा। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ अलग दे सकते हो, उस पर अगर अलग होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। सो आप यहाँ पे अलग अलग भी अगर यहाँ पे आप साइनअप के तरह यहाँ पे कुछ और नंबर डालोगे और आपका आधार कार्ड पे कुछ और नंबर लिंक है तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका नंबर पर एक OTP आएगा, OTP को फिलअप कर देना, आपको आधार कार्ड फिर से एक बार अलाउ करने के लिए बताएगा, सो अलाउ कर देना। उसके बाद आपको पैन कार्ड का आपको अपलोड करना होगा फोटो, उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा। अगर आप यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक देना चाहते हो तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक दे सकते हो, आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी आपको यहाँ पे सपोर्टेड होगा। तो आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कैसे स्टेटमेंट आपको निकालना होगा वो बहुत ही आसान है, आपको मेल पे तो मिल ही जाएगा, पर महीने आपको यहाँ पे मेल पे मिलता है, जितना भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका स्टेटमेंट आपको पर महीने आपको मेल पे मिल जाता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। सो आपको उस पर जाके उसको डाउनलोड करना होगा, कर लेना होगा PDF के थ्रू। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आके PDF के थ्रू यहाँ पे इसको अपलोड कर देना होगा, ठीक है। आपका पैन कार्ड का नाम, आपका फोटो, एक स्टेटमेंट देना होगा बैंक का, और आपको एक सेल्फी लेना होगा जिसका आधार कार्ड है, और आपको एक आधार कार्ड डालना होगा फिर से एक बार आधार कार्ड पे, आपको फिर से एक बार OTP आएगा जिस नंबर पे वो लिंक है आधार कार्ड उस पर फिर से एक बार OTP आएगा। सो OTP को फिलअप कर देना, फिलअप करने के बाद सो जैसे आप लोग यहाँ पे फिलअप कर लोगे, सो फिलअप करने के बाद आपका अकाउंट जो वो सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा ओपन। सो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ID, एक यूज़र ID और पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा, यूज़र ID और यूज़र पासवर्ड आपको 24 आवर्स के बाद ही मिलेगा, ठीक है। 24 आवर्स के पहले नहीं मिलेगा, मुझे भी 24 आवर्स के बाद ही मुझे मिला था। एक यूज़र ID और यूज़र पासवर्ड चाहिए। सो यूज़र ID आपको कैसे मिलेगा, आपको आपका जो नंबर के साथ आपने यहाँ पे साइनअप किया उस नंबर पर और जो मेल आपको आप देना था उस मेल पे, ठीक है, दोनों पे आपको मिल जाएगा ID और पासवर्ड, ठीक है। ID और पासवर्ड आपको दोनों पे मिल जाएगा, ID पे जाके और पासवर्ड भी देना। सो उसके बाद देने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करने के लिए बताएगा आपका खुद का।
सो न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना। सो जैसे ही क्रिएट कर लोगे आपका सक्सेसफुल जो है अकाउंट है वो क्रेडिटेड हो जाएगा, सक्सेसफुल आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको रेफरल नाम पे आना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा यहाँ पे देख लो। तो उसके बाद आपको रेफरल नाम पे सेक्शन पे आना होगा, यहाँ पे देख लो इस तरह से आपको ओपन करना होगा, यहाँ पे रेफरल नाम पे जाना होगा, ठीक है। सो जाने के बाद आपको इस तरह से देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा देख लो, आप अगर यहाँ पे एक रेफर करते हो सो वो अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 500 रुपीज़ का यहाँ पे वाउचर मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास अगर दो पैन कार्ड और दो आधार कार्ड होगा घर में, तो एक पे तो आपको डिमैट अकाउंट खोलना होगा, उसके बाद और भी एक जो पैन कार्ड होगा और आधार कार्ड होगा आपका पापा का या मोम का, तो जो भी होगा जिसका भी होगा आप यहाँ पे जाके इसको इस रेफर को आप वन डिवाइस भी ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा आपको यहाँ पे वन डिवाइस ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हो। सो जैसे ही आपका साइनअप उस पर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 24 आवर्स के बाद जैसे ही आपका सेकेंड अकाउंट पर जिसमें हमने रेफर किया उस पर यूज़र आई डी यूज़र पासवर्ड मिल जाएगा, वो जैसे ही यहाँ पे अकाउंट ओपन करेगा तो आपको 500 रुपीज़ इंस्टेंट आपका वाउचर जो आपको मिल जाएगा आपका मेल के थ्रू, ठीक है। सो मेल के थ्रू आपको मिल जाएगा आपका वाउचर, जो वो नहीं मिलेगा आपको रिडीम कोड एक बार मिलेगा। सो उस रिडीम कोड को जाके एक जगह पे जाके रिडीम करना होगा। सो रिडीम करने के बाद आपको अमेजोन गिफ्ट वाउचर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हो, उसके बाद अमेजोन वाउचर जाके अमेजोन पे जाके रिडीम कर लेना। सो आपको 500 रुपीज़ के यहाँ पे इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इस लूट को मिस मत करना। सो जल्दी से जाओ जाके इसको लूटना चालू कर दो। सो टेलीग्राम पे भी मस्ट जाके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तब तक के लिए चलो बाय, जय हिंद, टेक।